गाइस, मेरा नाम असलम है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं आप सभी के साथ अपनी एक छोटी सी एक जर्नी है जो शेयर करना चाहता हूँ और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मेरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री तक की जो अभी तक की जर्नी है, अभी तक का यहाँ तक का सफ़र है वो कैसा रहा। सो गाइस, 12th के बाद मुझे मतलब उस टाइम ये नहीं पता था कि हाँ कैसे स्टार्ट करना है और कैसे कौन सी लाइन में जाना चाहिए। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ यही होता है कि उसे 12th तक ये नहीं पता होता कि उसकी उसका इंटरेस्ट किस में है, वो क्या करना चाहता है और उसे एक्चुअली पता नहीं होता है। सो धीरे धीरे करके मुझे भी ऐसे ही मतलब नहीं पता था, बट धीरे धीरे करके मुझे पता चला कि हाँ मेरा इंटरेस्ट किस में। एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट जो था वो सॉफ्टवेयर में था। 12th के बाद मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी जो कि जहाँ पर मैं एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहा था, बट वहाँ पर ऐसा लगता था कि हाँ मैं कुछ सीख नहीं पा रहा। और जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी तो कुछ टाइम तक तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं इससे खुश हूँ, बट धीरे धीरे करके जब मैं रोज़ एक जैसा काम कर रहा था, कुछ नया नहीं मिल रहा था मुझे। लाइक मैं रोज़ एक जैसा काम कर रहा हूँ, डेटा की एंट्रीज कर रहा हूँ, डेटा रोज़ बस जाना है, सिस्टम पर बैठना है और डेटा अपलोड करना है, बस इतना ही काम होता था। तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता था कि यार कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है। तो फिर धीरे धीरे करके मुझे एक मेरा फ्रेंड था, उसने मुझे बताया कि हाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है नवगुरुकुल। एक्चुअली नवगुरुकुल जो है वो अंडर प्रिविलेज बच्चों को सीखने का मौका देता है, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का मौका देता है। तो वहाँ पर मैं गया, वहाँ पर मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि हाँ एक्चुअली मुझे स्टार्ट कैसे करना है। सो वन ईयर के बाद मैंने अपना करियर स्टार्ट किया नवगुरुकुल ज्वाइन करने के 1 ईयर के बाद। सो उस टाइम भी जब मैंने अपना नवगुरुकुल जब मैंने कंप्लीट कर लिया तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ अभी भी मैं इंडस्ट्री में नहीं काम कर पाऊंगा। क्यों? द रीज़न इज़ कि मैं इंडस्ट्री में एक्चुअल में काम कैसे होता है मुझे नहीं पता था। देन मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स थे वो उठाना शुरू किया। सो प्रोजेक्ट्स आप ज़्यादातर कहीं से भी ले सकते हैं, वैसे तो मैं freelancer.com है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से मैं फ्रीलांसिंग की प्रोजेक्ट्स थे जो मैं उठाया करता था और उसी से ही मैं सीखा करता था। सो उसके बाद लगभग 3 से 4 महीने के बाद मैंने एक कंपनी है जो कि चेन्नई में है जो मैंने ज्वाइन करी थी उस टाइम, और एक्चुअल में मेरी वो फर्स्ट कंपनी थी। मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स करने के बाद और कुछ उस टाइम ऐसा था कि प्रोजेक्ट से भी मेरी अर्निंग हो जाया करती थी, बट प्रोजेक्ट से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता था। और प्रोजेक्ट्स करने के बाद जब मैं किसी कंपनी में गया, जब चेन्नई में जो कंपनी थी जिसमें मैंने ज्वाइन किया था, तो उसमें एक्चुअली वहाँ पर मेरा कुछ ऐसा था कि उन्होंने मेरी स्किल्स भी देखी थी और मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी कर रखे थे, तो उस बेस पर उन्होंने मुझे वो जॉब दी थी। 1 ईयर जॉब करने के बाद मुझे लगा कि हाँ अब मुझे और मूव ऑन करना चाहिए, तो उसके बाद मैंने मूव किया और अभी जो है करंटली मैं एक कंपनी है जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ जो कि नोएडा में है, ट्रैकर कंपनी, और यहाँ पर मुझे अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही है। और लाइक अभी मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ मैं एक सक्सेस पॉइंट पर हूँ। बट गाइस, आप भी कोशिश करते रहिए, आप प्रोजेक्ट्स लीजिए, प्रोजेक्ट्स करिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और अंडरस्टैंडिंग हो जाती है प्रोजेक्ट करने के बाद कि हाँ अब एक्चुअल में काम कैसे करना है। तो गाइस कुछ मेरा भी ऐसा ही रहा है, मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था। सो आप भी गाइस कोशिश करिए और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और थैंक यू गाइस।